हेलो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोग एक्टिविटी 10.3 को परफॉर्म करेंगे। ये एक्टिविटी हमें ये समझाने में हेल्प करती है कि हमारे पास अगर एक कनकेव मिरर है, राइट, अगर कोई कनकेव मिरर है उसके सामने हम लोग डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन पे अगर ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो हमारा उस ऑब्जेक्ट का इमेज का लोकेशन कहाँ होता है, यही समझाने में हमको ये एक्टिविटी हेल्प करती है। ओके, तो मैं सीन समझा देता हूँ एक बार। यहाँ पर देखो, ये मेरे पास एक स्टैंड है और इसमें मैं पोल पे रखूंगा। ये मेरा पोल है, ये फोकस है और ये सेंटर है, और इसकी जो हमारा फोकल लेंथ है यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी, ये जो है 10 सेंटीमीटर है। तो मैंने यहाँ पे मार्क भी करके रखा है लाइन। ये 0 सेंटीमीटर की लाइन है, ये -10 सेंटीमीटर की लाइन है, क्योंकि हम लोग जो है कनकेव मिरर में फ्रंट डिस्टेंस को जो होता है उसको निगेटिव लेते हैं। तो -10 सेंटीमीटर वाली लाइन है ये -20 सेंटीमीटर जो कि सेंटर पे है, और -30 सेंटीमीटर, -40 सेंटीमीटर एंड -50 सेंटीमीटर। ओके, तो ये सीन है। ओके, अब एक और क्वेश्चन जो है कुछ स्टूडेंट्स पूछते हैं, क्या हम लोग सिर्फ कैंडल का ही इमेज बना सकते हैं और दूसरे ऑब्जेक्ट का इमेज हम लोग नहीं बना सकते हैं? तो इसका जवाब ये है कि हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट का इमेज हम लोग इस कनकेव मिरर की सहायता से बना सकते हैं। और इसको मैं दिखाता हूं। मेरे पास ये गाड़ी है और गाड़ी को मैं रख के इस पे स्क्रीन पे मैं इमेज बनाता हूँ। ओके, तो इसमें ये मेरे पास एक गाड़ी है, व्हीकल है, इस व्हीकल का मैं इसमें स्क्रीन पे बनाता हूँ। तो यहाँ पे रखता हूँ तो देखना कहाँ बनता है इसका इमेज। तो इसको हम लोग बनाते हैं यहाँ पे। तो ये देखोगे तो इमेज ये जो है हमारा यहाँ पे एक सुंदर सा इमेज आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, राइट, यहाँ पे आपको दैट इज फोकस, ये फोकस और सेंटर के बीच में। ओके, अब मेरे पास ये सुंदर सी एक चिड़िया है और इस चिड़िया का, इस पक्षी का मैं इमेज बनाता हूँ। ओके, तो यहाँ पे आप पेपर पे देख सकते हो इस चिड़िया की एक सुंदर सी इमेज बन रही है चिड़िया की, राइट। मैंने लाइट अपना ऑफ कर दिया है तो इस पक्षी का इमेज हमारे पेपर पे बन रहा है। लाइट हमें इसलिए ऑफ करना पड़ा क्योंकि जितना इससे लाइट निकल रही है उससे ज्यादा हमारा जो बल्ब से निकल रही है, तो इस पे जो है बल्ब की ही लाइट ज्यादा दिखेगी अगर मैं लाइट जला कर करूंगा, और इसका कम दिखेगा। लेकिन वही मैं लाइट बल्ब बंद कर दे रहा हूं तो सिर्फ इसी के लाइट है इसके पास, तो ये चिड़िया का इमेज बना रहा है। ओके, अब हम लोगों ने ये देख लिया कि हमने किसी भी ऑब्जेक्ट का हम लोग इमेज इस कनकेव मिरर से बना सकते हैं, चाहे वो मोबाइल का स्क्रीन हो, चिड़िया हो या फिर गाड़ी हो, सभी का इमेज बना सकते हैं। तो अब हम लोग कैंडल का प्रयोग करेंगे और कैंडल को डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन पर रख के और उसका इमेज देखेंगे कहाँ बनेगा। हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कहाँ पे ऑब्जेक्ट रहेगा तो कहाँ पे इमेज रहेगा बनेगा। कैंडल मैं सिर्फ सुविधा के लिए ले रहा हूँ, राइट। ओके, तो ये हमारा देख सकते हो अभी जो है कैंडल जो है -50 सेंटीमीटर वाले लाइन पे है, तो इसको हम लोग लगभग कहेंगे इन्फिनिटी है क्योंकि इसका फोकल लेंथ जो है 10 सेंटीमीटर है और उसका 5 गुना दूरी पर है, तो लगभग अच्छा खासा इन्फिनिटी है। तो इसकी इमेज हम देखते हैं कहाँ बनता है, राइट, इसकी इमेज देखते हैं हम लोग। तो कैंडल की इमेज हम लोग देखेंगे कहाँ बन रहा है। तो ये देख सकते हो आपको जो है इमेज इसकी दिख रही होगी। सबसे शार्प वाला पॉइंट पे मैं रुक जाऊंगा, सबसे शार्प जहां इमेज बनेगा वहां पे मैं जाकर रुक जाऊंगा। थोड़ा सा मैं इटैलिक कर देता हूं ताकि आपको अच्छे से दिखे। ओके, तो ये इसकी इमेज देखोगे सबसे शार्प जो है फोकस से जस्ट 0.12 सेंटीमीटर की दूरी पर है, तो ये सबसे शार्प इमेज है। तो उस इमेज को अगर देखोगे तो इमेज जो है हमारा फोकस पे बन रहा है, अगर इन्फिनिटी पे रह रहा है तो फोकस पे बन रहा है, और अगर हम लोग बोलेंगे तो ये जो है इमेज जो है ये इन्वर्टेड है, देखो ठीक से, ये उल्टा है और छोटा है, डिमिनिश्ड है, इन्वर्टेड है, डिमिनिश्ड है। और चूंकि इसको पेपर पे हम लोग अपटेंड कर रहे ले रहे हैं ना इस केस में, तो इसको हम लोग कहते हैं कि जो पेपर पे अपटेंड, स्क्रीन पे अपटेंड हो जाता है, प्राप्त हो जाता है, उसको हम लोग रियल इमेज कहते हैं। तो इस इमेज की नेचर है कि ये छोटा है और ये जो है इन्वर्टेड है और रियल है। अब हम लोग इस कैंडल को इन्फिनिटी और सेंटर के बीच में रखते हैं, जिसको हम लोग बियॉन्ड दी सेंटर वाली लाइन भी कहते हैं। बियॉन्ड दी सेंटर कहीं भी हम एक पोजीशन पे रख देते हैं, दैट इज बियॉन्ड दी सेंटर, यानी इन्फिनिटी और सेंटर के बीच में। तब देखते हैं हमारा इमेज कहाँ बनता है।
यहाँ पर देख रहे हो इमेज बन रहा है, लेकिन ये शार्प नहीं है, बढ़िया नहीं है। तो हम लोग सबसे शार्प इमेज बनाएंगे, बढ़िया इमेज बनाएंगे, वहीं पे जाकर रुकेंगे। तो मैं पीछे ले जा रहा हूँ, पीछे ले जा रहा हूँ, राइट। यहाँ पे डीम होते जा रहा है और आगे ला रहा हूँ। तो यहाँ पे जो है मुझे सबसे शार्प दिख रहा है। तो आप नोट करो, कैंडल का जो फ्लेम है उसको नोट करो, और इसका इमेज का जो फ्लेम है जो हमारे पेपर पे है, स्क्रीन पे है, उसको नोट करो। तो आप देखोगे कि जो कैंडल वाला फ्लेम है वो बड़ा है और ये जो है छोटा है, राइट। और दूसरी चीज आप नोट करोगे तो कैंडल की फ्लेम को देखोगे तो ये जो फ्लेम है इन्वर्टेड है, ये उल्टा है, यानी ऑब्जेक्ट का जो इमेज है यहाँ पे उल्टा बन रहा है। तीसरी चीज आप ये कह सकते हो, क्योंकि हम लोग इसको पेपर पे प्राप्त कर ले रहे हैं, स्क्रीन पे प्राप्त कर ले रहे हैं, इसलिए ये इमेज हमारी रियल इमेज है। अब हम लोग इसको सेंटर के पास रखेंगे और देखेंगे इमेज कहाँ बन रहा है। ओके, तो मैं यहाँ पे देखूं तो इमेज बन तो रहा है लेकिन बढ़िया नहीं बन रहा है। तो हम लोग सबसे शार्प इमेज पे जाएंगे, जाएंगे 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 और पीछे मैं ले जा रहा हूँ। ओके, तो मैं पीछे ले जा रहा हूँ, तो यहाँ पे जो है हमारा सबसे बढ़िया इमेज बन रहा है, दैट इज सेंटर के पास ही है, वो सेंटर के पास ही लगभग लग। तो अब इमेज को नोट करो और ऑब्जेक्ट की फ्लेम को नोट करो, तो आपको ये दिखेगा कि ऑब्जेक्ट जितना बड़ा, ये फ्लेम जितना बड़ा है उतना ही बड़ा हमारा इमेज है। और आप ये गौर से देखोगे तो आपको ये पता चलेगा कि उल्टा है, सीधी सीधे एकदम क्लियर तरीके से देख रहा है कि ये उल्टा है। उस ऑब्जेक्ट का फ्लेम जो है यहाँ पे पतला है तो नीचे में पतला है वहां पे, और बीच में यहाँ पे मोटा है फ्लेम तो वहां पे बीच में ऊपर में मोटा है। तो आपको ये इमेज जो है उल्टा है। तो हम लोग अगर सेंटर पे रखते हैं तो इमेज सेंटर पे ही बनता है और इमेज जो है हमारा इन्वर्टेड है, राइट, उल्टा है। और दूसरा, हम लोग कागज पे अपटेन कर ले रहे हैं ना, तो इसलिए हम लोग बोलेंगे कि ये रियल है। ओके, अब मैं इसको सेंटर और फोकस के बीच में रखता हूं और देखूंगा कि इमेज कहाँ बन रहा है। तो यहां पर देख रहे हो तो डीम बन रहा है, भी डीम और अच्छा बन रहा है, अच्छा बन रहा है, ये डीम हो गया, ये सबसे अच्छा है यहाँ पे। तो आप देख सकते हो ये जो है बियॉन्ड दी सेंटर है, राइट। और अगर आप गौर से देखो, ध्यान से देखो, तो ये आपको इसकी फ्लेम को गौर करो कितना बड़ा है और उसकी साइज को गौर करो तो आपको दिखेगा वो बड़ा बन रहा है। तो सेंटर और फोकस के बीच में जो होता है इनलार्ज बनता है, जो ऑब्जेक्ट इमेज होती है उसकी इनलार्ज होती है, और ये उल्टा ही है, अभी भी उल्टा ही है। ओके, मैं अब इसको फोकस पे रख देता हूँ और इसकी इमेज देखता हूँ कहाँ बन रहा है। तो आप देखोगे तो ये यहाँ पे है, और दूर जाएगा और दूर जाएगा तो आप देखोगे इमेज को, तो ये इमेज जो है आपको ये आपको बड़ा दिख रहा होगा, राइट, बहुत बड़ा दिख रहा है, हाईली इनलार्ज, और ये उल्टा है। इमेज की ऑब्जेक्ट की फ्लेम को देखो कैसा है, और ये उल्टा है और ये रियल है क्योंकि हम लोग कागज पे अपटेन कर ले रहे हैं। ओके, अब हमारी जो ऑब्जेक्ट है, कैंडल का जो फ्लेम है, इसको मैं फोकस और पोल के बीच में रखता हूं और देखता हूं इमेज कहां बनता है, राइट। तो यहां पर देखोगे तो मैं यहां नजदीक ले जा रहा हूं तो भी कोई शार्प इमेज हमको दिख नहीं रहा है, दूर ले जा रहा हूं तो भी कोई शार्प इमेज हमको नहीं दिख रहा है। अभी जो आपको ये इस तरह का दिख रहा है ये शैडो है, कैंडल का शैडो आपको दिखाई दे रहा होगा, और ये इस तरह सा वी का शैडो है, तो यहाँ पे भी आपको दिख रहा होगा भी जैसा, तो ये शैडो है, उसका इमेज नहीं बन रहा है। तो इस केस में इमेज बेसिकली होता क्या है, हमारा मिरर के अंदर बनता है। तो मैं इसको तिरछा करता हूं ताकि मिरर के अंदर दिखाई दे इमेज। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो आपको स्पष्ट तौर से मिरर के पीछे, बिहाइंड द मिरर, कैंडल का आपको इमेज दिखाई देगा। और ये अगर आप गौर से देखोगे तो ये बड़ा इमेज बन रहा है और ये सीधा है। तो मैं आपको सिंपल नेल का इमेज बना के दिखाता हूँ अपना, तो आप देख सकते हो ये मेरे फिंगर का इमेज बन रहा है। और ये इमेज अगर आप गौर करोगे तो ध्यान से देखोगे तो ये इमेज जो है आपको सीधा है और बड़ा है, और ये मिरर के अंदर बन रहा है, बिहाइंड द मिरर है, तो इसलिए हम लोग इसको वर्चुअल कहते हैं, राइट। ओके, एक चीज और मैं बता देना चाहता हूँ, ये नेल की जो ये बड़ा इमेज बन रहा है यहाँ पे, इसी चीज का जो डेंटिस्ट होते हैं वो ये यूज करते हैं, वे अपने जो दांत होता है कनकेव मिरर ले लेते हैं और फोकस और पोल के बीच में दांत को रखते हैं, टूथ को,
और उसका बड़ा सा इमेज बनाते हैं, और इससे जो दांत में छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल होते हैं या कीड़े मकोड़े होते हैं, जर्म्स होते हैं, वो उन लोगों को दिख जाता है। तो होप आपको ये वीडियो समझ में आया। अगर आपको ये वीडियो में डिस्क्राइब्ड कंसेप्ट समझ में आया, अच्छे लगे, तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। दोस्तों में जरूर शेयर करें। थैंक यू।